दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी ट्रेन के कोच में भीषण आग लग गई, जिस कारण ट्रेन के एक कोच आग की चपेट में आ गए। यात्रियों को किसी तरह बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए। ट्रेन पर लगी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी ट्रेन के कोच में ऋषिकेश के आसपास रायवाला व कंसोरा के बीच आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है। मौके पर बचाव कार्य जारी है। जनशताब्दी एक्सप्रेस जब राजाजी टाइगर रिजर्व की कंसरो रेंज से होकर गुजर रही थी, तभी रेलगाड़ी के C5 कोच में अचानक आग लग गई। कोच में मौजूद यात्रियों ने इमरजेंसी चैन खींचकर लोको पायलट को सूचना दी। लोको पायलट ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी को कंसरो रेंज के नजदीक ही रोक दिया। रेलगाड़ी के रुकते ही डब्बे में मौजूद यात्री बाहर निकल आए। ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने तुरंत ट्रेन के बीच में जुड़े इस C5 कोच को काटकर शेष डिब्बों से अलग हो गए। ये नई दिल्ली से देहरादून आ रही थी 0217 शताब्दी एक्सप्रेस। ये कासरो और रायवाला के बीच में इसके बीच में आग लगी है, एक बोगी में C5 में। जब इसमें आग लगने की सूचना मिली, हल्का सा धुआं सा निकलने लगा, तो पैसेंजरों ने इसकी चेन पुलिंग करके गाड़ी को रोका गया वहाँ पे। और फिर जब ज़्यादा ही इसमें लगे आसार लगे कि आग लगने वाली है, तो ड्राइवर गार्ड लोगों ने स्टाफ ने उसको कोच को अलग कर दिया है उस कोच को। और उसके बाद आगे आपकी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी और आधे पोर्शन को देहरादून के लिए रवाना किया गया वहाँ से, और इस समय देहरादून पहुंच गई है आधी कोच। अब फिलहाल ट्रैफिक रुका हुआ है? फिलहाल ट्रैफिक रुका हुआ है, रायवाला में खड़ा अभी। अरे ट्रेन की क्या कंडीशन है? ट्रेन की कंडीशन आपकी रायवाला में ही खड़ी है और आधा पोर्शन उसका रायवाला पहुंच चुका है। तो जान नहीं, जान वाल की कोई ऐसी कुछ वो नहीं है, खाली ट्रेन को नुकसान हुआ है। ट्रेन को ही नुकसान हुआ है इस बोगी को। आगे सुचारू कब तक हो जाएगा ट्रैफिक? अभी टीम पहुंची है वहाँ पे, साइड वेस्ट टीम पहुंच गई है, जाँच चल रही है। आपका नाम? मेरा गोपाल सिंह, स्टेशन मास्टर। जी जी।